तो फ्रेंड्स, आज मैं चाय बना रही थी, तो चाय बनाते बनाते चाय जो है मेरी फट गई थी। तो उससे पता लग जाता है कि दूध हमारा खराब हो गया। तो काफी गर्मी पड़ रही है, तो फ्रिज भी ज्यादा काम नहीं करते इतनी गर्मियों में। तो दूध देख सकते हो फट गया है। तो इसको बढ़िया से फाड़ने के लिए हमें इसमें डालनी है एक चीज। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में ले लिया है पानी, तो इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच विनेगर पानी के अंदर। तो पानी में मिला के हम इसको विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और गैस को कर देंगे तेज। जो पानी का जो कलर बिल्कुल वाइट आ रहा है ना, वो हल्का सा पानी जैसा लगेगा, तो इसका मतलब परफेक्ट पनीर हमारा निकल गया है। तो देख सकते हो जैसे मैंने विनेगर डाला है ना, पानी का कलर वाइट से बिल्कुल ही साफ हो गया है। तो अब गैस को हमने बंद कर देना है। तो बहुत देर तक इसको नहीं उबालना। अगर विनेगर डालने के बाद अगर बहुत देर तक पका देंगे तो जो पनीर है हमारा हार्ड बन जाएगा। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली एक बड़ी सी छन्नी। इस छन्नी में ले लेते हैं हम ये कपड़ा। तो कॉटन का कपड़ा हो आपके पास तो वो भी ले सकते हो। ये बारीक मेरे पे एक चुन्नी पड़ी है, तो मैंने उसमें इसको छान लिया है। तो सारे पनीर को हम इसको छान लेते हैं। जैसे इसका पानी निचुड़ जाएगा, इसमें थोड़ा सा हम साफ पानी डाल देंगे ताकि जो विनेगर का खट्टापन है ना, वो थोड़ा सा निकल जाएगा। देख सकते हो पनीर जो है ऊपर की तरफ रह गया है। अब इस पे मैं साफ पानी डाल दे रही हूँ। तो हमने ये पानी को छान लिया है फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो इस पानी को भी यूज कर सकते हो। इसमें हम चाहें तो आटा भी गूंद सकते हैं, और या तो फिर आप छोले भटूरे बना रहे हो ना, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया है, दूसरे फ्राई पैन में मैंने इसको रख लिया है। तो अब इस पे हम डाल देंगे थोड़ा सा साफ पानी। तो साफ पानी से जो खट्टापन है ना विनेगर का, वो निकल जाएगा। अब इस पनीर को जो है हम बिल्कुल इकट्ठा कर देंगे, और इससे हम कटोरी से दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे। तो उसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से दबाते रहेंगे, तो क्या है जो पनीर हमने बनाया है ना, वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए हम इस छन्नी के साथ ही हम इस पनीर को फ्रिज में रख देंगे। तो आपके जो है पीस भी इसका बना सकते हो। तो मैंने इसको बढ़िया से धो के कटोरी से बढ़िया से दबा लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको गोलाई में सेट करके रख दिया है पनीर को। तो हम ऐसे के ऐसे इस कपड़े को उठा लेंगे और इसको हमने रख देना है फ्रिज में। तो पनीर को बढ़िया से लपेट के अच्छे से पोटली सी बना के इसकी इस तरीके से छन्नी के साथ ही हमने इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और अच्छे से जम भी जाएगा। तो जितना हो सके दबा दबा के इसका पानी निकाल लेना है, और एक डोंगे के अंदर ही छन्नी को रखेंगे फ्रिज के अंदर। जो भी इसका पानी वगैरह निकलेगा तो वो डोंगे में ही निकल आएगा। तो मैं इस तरीके से इस छन्नी को फ्रिज में रख दूंगी। जो हमने ये पतली सी चुन्नी में पनीर बनाया था, तो आप देख सकते हो मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए जो है फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। देख सकते हो कितने बढ़िया से मैंने पनीर को निकाला हुआ है। तो अब इसके जो है हम पीस बना सकते हैं। तो घर का बना हुआ है ये पनीर फ्रेंड्स। तो जो दूध खराब हो रहा था उसका पनीर कितना बढ़िया बन गया है, बिल्कुल ही बाहर जैसा। तो आप जितना बड़ा पीस बनाना चाहो उतना बड़ा आप बना सकते हो। तो देख सकते हो बिल्कुल ही ऐसा पनीर बनाया जैसे कि हम मार्केट से लेके आते हैं, और इस तरीके से ही हम पीसेस बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा पनीर बनाने का तरीका? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।